Good morning, my dear learners. Welcome in your EVS class. I'm going to tell you a story. Look here. He hai Mama Bear. This is Baby Bear. And this is Little Baby. So, Mama Bear have two baby bear. Okay, Annie and George. Okay, they both love each other. Mama Bear always prefer to give them healthy food to eat. But this George is very naughty. He always want to eat junk food. जब मम्मा बेर घर में नहीं होती थी ना, तो ये जो जॉर्ज है ना, ये क्या करता था? ये हमेशा जंक फूड खाता था. बहुत सारे चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, फटाफट खा जाता था. लेकिन ये जो एनी है, ये बहुत स्वीट थी. ये जो मम्मा देती थी खाने के लिए, वही खाती थी. एक दिन क्या हो गया? जब मम्मा बेर घर पे आई, तो उन्होंने देखा कि जॉर्ज जो है, वो अपने रूम में रो रहा था. तो मम्मा बेर ने जाकर पूछा, जॉर्ज क्या हो गया? Why are you crying? तो जॉर्ज ने बोला, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में. तो मम्मा ने बोला, पेट में दर्द हो रहा है? तुमने क्या खा लिया ऐसा जिससे तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? तो जॉर्ज और जोर से रोने लगा. और तभी एनी ने मम्मा को बताया कि मम्मा जब आप घर पे नहीं थे, तो जॉर्ज ने बहुत सारा जंक फूड खाया था. जो आपने इसको फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए, वो इसने सारे फेंक दिए थे. तो उसके बाद मम्मा बेर जॉर्ज को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने जॉर्ज को इंजेक्शन लगाए. तो जब घर वापस आई मम्मा बेर, तो जॉर्ज ने मम्मा बेर को क्या बोला? सॉरी मम्मा, आज के बाद आप मुझे जो दोगे मैं वही खाऊंगा. मम्मा ने जॉर्ज और एनी दोनों को समझाया, माय डियर किड्स, जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो ऑलवेज प्रेफर टू ईट हेल्दी फूड. और पता है मम्मा बेर ने ये दोनों बेबीज को हेल्दी फूड खाने के लिए बोला, कैसे बोला पता है आप लोगों को? थ्रू अ राइम. मम्मा ने एक बहुत अच्छी सी राइम करवाई दोनों बेबीज को. चलो अभी वो राइम मैं आपको करवाती हूँ. Let's do a rhyme. What are healthy foods? Let's find out. Healthy food, healthy food, who are you? Healthy food, who are you? I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give you energy all day long. What are junk foods? Let's find out. Junk food, who are you? I am the one that is bad for you. I make you weak and very sick. You became lazy and no more quick. My dear kids, what we have learnt from this story and rhyme? Yes, we have learnt that thumbs up to healthy food and thumbs down to junk food. Always eat healthy food, which is good for our